कानपुर देहात के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नेतृत्व में CSR योजना के अंतर्गत दिव्यांगों को सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची कानपुर देहात जिलाधिकारी नेहा जैन। जिलाधिकारी नेहा जैन ने दिव्यांगों को वितरित किए सहायक उपकरण। जिलाधिकारी के हाथों से सहायक उपकरण पाकर दिव्यांगजनों के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखी। दिव्यांगजनों ने जिलाधिकारी व कार्यक्रम आयोजक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की टीम की प्रशंसा की। कार्यक्रम में उपजिलाधिकारी रसूलाबाद नीलिमा यादव सहित विकासखंड अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे। मुख्य आयोजक के रूप में यहाँ पे आज रसूलाबाद ब्लॉक के जो परिसर है उसमें एलिम्को और HAL के सहयोग से, एलिम्को मैन्युफैक्चरर है, HAL ने अपने CSR कार्यक्रम के तहत लगभग 160 ऐसे दिव्यांगजन हैं जो विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं से अगर अफेक्टेड हैं उनके लिए उपकरण वितरण का एक यहाँ पे एक शिविर लगाया है। यहाँ पे विभिन्न तरीके के उपकरण जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हील चेयर हो या व्हील चेयर हो, नॉर्मल व्हील चेयर है, या हियरिंग एड है, स्मार्ट केन है, प्रोस्थेटिक लिम्स भी लगाए जा रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा एक नोबल कॉज है जो HAL ने यहाँ पे किया है और यहाँ पे तहसील प्रशासन और ब्लॉक सभी के लोग भी उपस्थित हैं और यहाँ पे जो भी दिव्यांगजन हैं उनको अपने जो बेस्ट पोटेंशियल है उस पर रीच करने के लिए और अगर वो मसाला खाते हैं तो उसको छोड़ने की शपथ भी दिलाई गई है। सभी को सहजन का पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। मैम, जो लाभार्थी छूट गए हैं इस कार्यक्रम में आने के लिए उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, अलग अलग योजनाओं में चिन्हांकन चलता रहता है और इसी प्रकार से एडिप योजना के तहत रसूलाबाद ब्लॉक में ही 25 तारीख को एक कैंप लगाया जा रहा है जिसमें अगर कोई लाभार्थी छूट जाते हैं तो वो लोग 25 तारीख को व्हाइट हाउस, जो यहाँ का सर्किट हाउस है रसूलाबाद का, वहाँ पे आके कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग UDID जो कार्ड, एक यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन जो कार्ड होता है उसको बनाने का भी कैंप लगाएंगे। तो जो भी इच्छुक लाभार्थी हैं वो 25 तारीख को रसूलाबाद के सर्किट हाउस में पहुँच सकते हैं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।